हाँ मम्मी आप रखो फोन, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ अरे मेरी तो नौकरी चली जाएगी किसी ने देख लिया तो। कोई देख तो नहीं रहा। सर ये आपका खाना। ये लो आपके पैसे। सर मेरे पास चेंज नहीं है। कोई नहीं आप रख लीजिए। नहीं नहीं सर आप रहने दीजिए। अरे आप इतनी धूप गर्मी में घर घर जाके खाना डिलीवर कर रहे हैं वो भी इस कंडीशन में, तो ये आपके लिए दे रहा हूँ और इतना मैं इंसानियत के नाते तो कर ही सकता हूँ। अबे ओए तू तो बहुत अच्छा खाना डिलीवर करती है। क्या किया भैया मैंने ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे वाह भाई देख कितनी अनजान बन रही है जैसे कुछ किया ही ना हो। तुमको खाना डिलीवर करने आई, खाना गिर गया तो तूने वही वापस डाल के उनको दे दिया और बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे नहीं नहीं भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देख मैं तेरी वीडियो बना रखी है अभी जाके दिखाता हूँ अंदर। अरे नहीं नहीं भैया प्लीज किसी को मत बताना, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी नौकरी चली जाती। अगर तुझे अपनी नौकरी बचानी है ना तो 500 का नोट इधर दे। अरे नहीं भैया मुझे इन पैसों की जरूरत है, मुझे अपने बच्चे का भी तो ध्यान रखना है और मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं करते। देख तूने अब गलती की है भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा। चल ये 500 रुपया मुझे दे। ठीक है भैया। चल अब निकल। एक मिनट रुको इसके पैसे वापस दे। अरे भैया आपको नहीं पता इसने आपके साथ क्या किया है। मैंने कहा इसके पैसे वापस दे। अरे भैया रुको मैंने वीडियो भी बनाई है, जो ये आपका खाना डिलीवर करने आई थी वो नीचे गिर गया था, इसने वही टिफिन वापस डाल के आपको खाना दिया है। मैं कह रहा हूँ ना इसके पैसे वापस दे। अरे भैया एक तो इसने आपको गिरा हुआ खाना दिया, ऊपर से आप इसे एक्स्ट्रा पैसे भी दे रहे हो। सुन ये जो खाना देने आई थी ना मैंने पहले ही देख लिया था अंदर से कि वो खाना गिर चुका है। पहले मुझे बहुत तेज गुस्सा आया पर जब मैं बाहर आया इसकी कंडीशन देखी ना तो मुझे तरस आ गया। ऐसी हालत में भी घर घर जाके खाना डिलीवर कर रही है, अपना पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है और तुम जैसे लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुम जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। थैंक यू सर, आप जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है। आपको पता होते हुए भी कि खाना गिरा हुआ है आपने खाना ले लिया, आप अगर ये खाना नहीं लेते तो मेरी नौकरी चली जाती। कोई बात नहीं मैम, वैसे भी आपसे गलती से हुआ ना तो ये गलती तो मुझसे भी हो सकती थी, इसमें कोई बात नहीं। और आपको शर्म आनी चाहिए भैया, आपने मेरी ऐसी हालत पे भी तरस नहीं खाया। मुझे शौक नहीं है ये काम करने का, ये मैं अपनी मजबूरी के लिए कर रही हूँ, पेट पालने के लिए, अपने बच्चे के लिए। और मेरे पति भी कुछ नहीं करते हैं, और मेरी जगह आपकी कोई बहन होती तो आप उसके साथ भी ऐसे ही करते। गलत तो मैं ही हूँ, मैं थोड़े से पैसे देख के लालच कर गया, अगर आपकी जगह मेरी बहन होती तो मैं ये बिल्कुल नहीं करता। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, मैं आगे से ये गलती नहीं करूँ। कोई बात नहीं भैया, और थैंक यू सर आपने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपको बहुत तरक्की मिले, खूब खुशी मिले। कोई बात नहीं, अब आप आराम से घर जाओ और ये मेरा घर है, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो ना तो आप आ सकते हैं। थैंक यू सर।